इन लास्ट क्लास हम लोगों ने एलगी में ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शायद करा था। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने आइसोगैमी उगैमी रह गया था। नहीं बेटा, उगैमी का हमने एग्जाम्पल बताया था आपको। उगैमी का एग्जाम्पल बताया था कि क्या बताया था, वीसा फूको बताया था, है ना। उगैमी का एग्जाम्पल मैंने बताया था, वीसा फूको। उगैमी में चलो बता देता हूं बेटा, उगैमी अगर रह गया था तो उगैमी में मैं बता देता हूं, इसमें मेल गैमेट क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। फीमेल गैमेट कैसा होगा, कॉन्जुगेशन चल रहा था सर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, देख लो, वी सा फू को, वीसा फू को याद रखना है। वी फॉर वॉल बॉक्स, एस ए से होगा बेटा सार्गासम, एफ यू से होगा बेटा फ्यूकस, और सीओ से होगा बेटा क्ले माइडो मोनास, क्ले माइडो मोनास कॉक्सी फेरा। ये दिख नहीं रहा लग रहा है मुझे वहां तक। क्ले माइडो मोनास कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, वीसा फूको हो गया था। यहां तक हो गया, कॉन्जुगेशन भी होता है बेटा, कॉन्जुगेशन से भी एलगी में रिप्रोडक्शन होता है। तो कॉन्जुगेशन में देख लो आप, स्पाइरोगायरा में होता है बेटा कॉन्जुगेशन। जैसे ये है स्पाइरोगायरा बेटा, आप जानते हो, ऐसे ऐसे सेल्स इसमें होते हैं, फ्रेगमेंटेड होता है ये, ठीक है। स्पाइरोगायरा में अगर एक स्पाइरोगायरा ये है, दूसरा स्पाइरोगायरा ये है मान लो, और यहां से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है बेटा यहां से, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करके अगर इधर भेजता है, तो इसको बोलते हैं बेटा स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं, स्केलरी फॉर्म कॉन्जुगेशन, ठीक है। और लेटरल कॉन्जुगेशन भी होता है, जैसे कि मान लो ये स्पाइरोगायरा है, इसमें कुछ सेल्स हैं, ये यहां से जेनेटिक मटेरियल कॉपी हुई और इधर आ गया, ऐसा भी होता है बेटा। इसको बोलते हैं लैटरल कॉन्जुगेशन। ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं, स्पाइरोगायरा में कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा। सिंपल सी बात है, कॉन्जुगेशन पहले भी आपको पता है, कॉन्जुगेशन मीन्स होता क्या है। समझ में आ गया कंजुगेशन, तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, दोनों दोनों बेटा स्पाइरोगायरा में ही है। और भी जो फ्रेगमेंटेड हैं एलगी, जो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में उसमें कंजुगेशन हो सकता है। स्केलरी फॉर्म और लेटरल, ये दोनों मैंने आपको बता दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। उगैमी में वीसा फूको याद रखना चाहिए आपको। आइसोगैमी में बेटा आपको सेकू मैंने बताया था, और सेकू बताया था या नहीं बताया था, सेकू सेकू बताया था, सेकू स्पाइरोगायरा नहीं बताया था। अच्छा बताया था, इससे तो अच्छा होता कि मैं सारा ही पढ़ा देता बेटे, इससे तो अच्छा होता। ये तो उगैमी हो गया,
उगैमी का एग्जांपल आप याद रखना। अब देखो ठीक है, आइसोगैमी में देखो, याद करने के लिए आपको से कु याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एस से क्या होगा बेटा, स्पाइरो गायरा, ठीक है। ई से क्या होगा, इक्टोकॉर्पस, और सी से क्या होगा, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम। और यू से यूलोथ्रिक्स, यू से यूलोथ्रिक्स, ठीक है। तो आइसोगैमी किसमें किसमें होती है बेटा, किसमें किसमें होती है, स्पाइरोगायरा, इक्टोकार्पस, क्लेमाइडोमोनास डेब्रियनम, यू से यूलोथ्रिक्स, यू से क्या होगा बेटा, यूलोथ्रिक्स। और आयन आइसोगैमी बेटा आपको याद रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ, मुझे लगता है मैंने बताया नहीं है, चलो फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, याद रखना है सबको। इसको लिख लिया होगा, कॉपी कर लो, समरी में बता देता हूं फिर से। आइसोगैमी एन आइसोगैमी एंड उगैमी, ठीक है। इसका डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक बात है। आइसोगैमी में बेटा या तो दोनों गैमिट मोटाइल होंगे, या तो दोनों गैमिट क्या होंगे बेटा, नॉन मोटाइल होंगे। मोटाइल गैमिट जब दोनों होते हैं बेटा, तो इसका एग्जांपल है क्ले माइडो मोनास डेब्रियनम, और नॉन मोटाइल का एग्जांपल है बेटा स्पाइरो गायरा। एन आइसोगैमी का एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडो मोनास ब्राउनी, और इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा था अभी, हाँ क्लेमाइडो मोनास ब्राउनी। तो एग्जाम्पल सब क्लियर हो गया अभी तक का, सारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया बच्चों, आइसोगैमी एन आइसोगैमी उगैमी क्लियर है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। याद रखना है आपको आइसोगैमी में कि आइसोगैमी में बोथ, इफ बोथ गैमिट आर मोटाइल, सर एन आइसोगैमी का एक ही एग्जांपल है, हाँ बेटा एक ही है। एल्गी के बेटा तीन क्लास है मेजर, है ना। पहला है बेटा क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी, ठीक है, और तीसरा है रोडोफाइसी, ठीक है। अब इसको हम क्या क्या बोलते हैं बेटा, देखो अलग अलग नाम भी है इनके। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी,
इसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी को हम बोलते हैं बेटा रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, इनके फीचर्स लिखेंगे बेटा हम, है ना, फीचर्स लिखेंगे हम। पहला फीचर है इनका हैबिटेट, हैबिटेट कौन कहां पाया जाता है, कौन सी एल्गी कहां पाई जाती है, ये लिखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी है बेटा, ग्रीन एल्गी, ये फ्रेश वाटर भी होती है, मैराइन भी होती है, ब्रैकिस फाइसिया मीन्स एल्गी सर, हाँ, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर, ब्रैकिस वाटर एंड आल्सो टेरेस्ट्रियल, चलो साथ के साथ लिखते चलो बेटा, ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं बेटा, मैराइन वाटर भी हो सकते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और ब्रैकिस वाटर, ब्रैकिस वाटर या टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है क्लोरोफाइसी, समझ रहे हो। ब्राउन एल्गी में फ्रेश वाटर जो है बहुत ही कम होते हैं, फ्यूअर फ्रेश वाटर, मोस्टली क्या है बेटा, मैराइन, मैराइन जो होते हैं बेटा, ये दे आर मोस्टली मैराइन, ठीक है। और इसमें क्या लिखे बेटा, इसमें भी फ्रेश वाटर बहुत ही वेरी रेयर, वेरी रेयर, मोस्टली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, रोडोफाइसी मोस्टली मैराइन, ठीक बात है, यहां तक क्लियर है। दूसरा चीज बेटा, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल को याद करने के लिए आपको याद रखना होगा यूवीएस ट्रिपल सी, यूवीएस ट्रिपल सी, चलो यू से क्या होगा, यू से बोलो क्या होगा, यू से वॉल्वॉक्स, सॉरी यूलोथ्रिक्स, यू से क्या होगा, यूलोथ्रिक्स सर, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट हैड कम इन टेस्ट, इट इज क्वेश्चन बेस्ड, क्या क्या लिख रहे थे, चलो बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे, मैं अनम्यूट कर दूंगा। यू से होगा बेटा, यू से क्या होगा, यूलो थ्रिक्स, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं हो पाता है ये, है ना, निमोनिक बनाया है मैंने, आपको याद हो जाएगा। यू से क्या होगा, यूलोथ्रिक्स, वी से क्या होगा बेटा, वॉल्वॉक्स, ये एस से क्या होगा बेटा, स्पाइरो गायरा, सी से क्या होगा, तीन सी है, सी से क्या होगा, क्लेमाइडोमोना, दूसरा वाला सी से कारा, और एक और सी है क्लोरेला, है ना, क्या लेके दूं, क्ले माइडो मोनास, फिर सी है क्लो क्लोरेला, और एक और सी से क्या हो जाएगा, कारा, ठीक है। यूवीएस ट्रिपल सी, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड कारा। रोड फियोफाइसी का एग्जांपल देखो, फियोफाइसी का एग्जांपल इडली साफ, ठीक है, ये देखो ई डी आई एल आई
SAF, इडली साफ, ठीक है। इडली साफ से क्या होगा बेटा, ई से क्या होगा, इक्टो कार्पस, ठीक है। डी आई से क्या होगा बेटा, डिक्टायोटा, डिक्टायोटा लेमिनेरिया सार्गासम एंड फ्यूकस, समझ रहे हो है? डिक्टायोटा। एल से होगा बेटा लैमिनेरिया, और आई से क्या होगा, लैमिनेरिया एल आई लिखा है ना, आई से क्या होगा बेटा, आयोडीन रिच, जो लैमिनेरिया होता है बेटा आयोडीन होता है, एंड ऑल्सो लैमिनेरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ केल्प, फॉर्मेशन ऑफ केल्प, केल्प बोलते हैं बेटा सी फॉरेस्ट को, समुद्री जंगल, मतलब पानी में बेटा बहुत हाइट तक ये नेटवर्क के जैसे फैले रहते हैं लैमिनेरिया, उसी को हम बोलते हैं बेटा केल्प, है ना। लैमिनेरिया, लैमिनेरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ केल्प एंड आयोडीन रिच, दो बात याद रखनी है आपको, ठीक है। एस से फिर क्या होगा बेटा, एस ए से क्या होगा, सार्गासम, और एफ से क्या होगा बेटा, फ्यूकस, ठीक है, याद हो गया। अब इसका है बेटा रोडोफाइसी का एग्जाम्पल याद रखने के लिए, पोपो जी जी, पोपो जी जी क्या होगा, पीओ से पॉलीसीफोनिया, पॉलीसीफोनिया, फिर पीओ है पोरफायरा, पोरफायरा एंड जेलिडियम एंड ग्रैसिलेरिया, जेलिडियम एंड ग्रैसिलेरिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रोडोफाइसी। एग्जाम्पल आप लोगों को याद हो जाएगा, बताओ। एग्जाम्पल याद हो जाएगा आप लोगों को, हाँ। ये बहुत टेढ़ा रहता है, जल्दी बच्चों को याद नहीं होता, इसलिए मैंने सबका निमोनिक बताया है। देखो यूवीएस ट्रिपल सी है किसका, क्लोरोफाइसी का, फियोफाइसी का है बेटा इडली साफ, और पोपो जीजी रोडोफाइसी का। तो एग्जाम्पल मुझे लगता है आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। हाँ ये इमोजी का मुझे कुछ मीनिंग पता नहीं चलता है भाई, एक हंसने वाला एक रोने वाला बस पता चल पाता है, और तो कुछ पता नहीं लगता मुझे। चलो इसको मैं मिटा दूं, अभी जगह लिख सकते हैं। चलो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट फीचर इज सेलुलर, ऐसे जाएगा ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, और कॉलोनियल भी हो सकता है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स, एंड फियोफाइसी के मेंबर बेटा ओनली मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। और रोडोफाइसी के में फ्यू आर यूनिसेलुलर, है ना, मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर, mostly they are multicellular, ठीक है।
यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट फीचर है बेटा पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना, पिगमेंट्स। पिगमेंट्स बेटा क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सी एच एल और डैश ए लिखते हैं ऐसा, है ना। फियोफाइसी में भी बेटा क्लोरोफिल ए पाया जाता है और रोडोफाइसी में भी बेटा क्लोरोफिल ए पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल बी भी होता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी होता है बेटा, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए बी सी और इसमें डी, ऐसा देखो याद हो जाएगा बड़े आसानी से। क्लोरोफिल ए तीनों में है, इसमें बी, इसमें सी और इसमें डी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और सभी में कैरोटीन लिख देंगे, एंड कैरोटीन बेटा सभी में होता है, कैरोटीन सब में होता है, कैरोटीन तीनों में होगा, ठीक है। उसके अलावा अब इसमें एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा कुछ, आप भी लिखो शेप के बारे में, क्लोरोफिल जो पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफाइसी में, उसमें लिखा है एनसीईआरटी में, लिखो मैं बोल रहा हूं, इसमें लिखना है बेटा, इसमें शेप के बारे में ना क्लोरोफाइसी में लिखिए, क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड कॉमा प्लेट लाइक, प्लेट लाइक कॉमा रेटिक्यूलेट, मतलब नेटवर्क के जैसा, रेटिक्यूलेट कप शेप्ड, कप शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड, और स्पाइरल शेप्ड, इतना सब कुछ हो सकता है क्लोरोप्लास्ट का शेप किसमें बेटा, क्लोरोफाइसी में, ठीक है। अब देखो फियोफाइसी में क्या होता है, कैरोटीन के अलावा बेटा एक और पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इस यहां पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक और दो और पाए जाते हैं जिसको फाइकोबिलिन्स बोल सकते हैं, और ये फाइकोबिलिन्स दो तरह के हो सकते हैं बेटा, फाइको वर्ड हम यूज करते हैं एल्गी के लिए, और दो होते हैं फाइको इरिथ्रीन और फाइको साइनिन, फाइको इरिथ्रीन एंड फाइको साइनिन। आप जानते हो इरिथ्रोसाइट मींस होता है आरबीसी और वो रेड कलर की होती है, ठीक है, उसी से नाम ये भी याद रहेगा आपको। फाइको इरिथ्रीन जो है बेटा वो डीप सी वाटर, डीप सी वाटर में पाए जाने वाले रेड एल्गी में होता है, और ये रेड कलर का अपीयर होता है बेटा, रेड कलर, है ना। और फाइकोसायनिन जो होता है बेटा ये सरफेस वाटर में पाया जाता है, मतलब सी वाटर में, और ये ब्लू कलर अपीयर होता है बेटा, ब्लू कलर ये है और रेड कलर ये है। सर ये हार्मफुल फॉर अदर, नहीं भाई हार्मफुल क्यों होगा, ठीक है, नहीं होता है।
ये जो कलर का डिफरेंस है बेटा, और डिफरेंट लेयर्स में फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन का, इसको बोलते हैं बेटा गॉडी-कोब्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये जो मैंने उल्टा बना दिया, इसको नीचे लिखना चाहिए था, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। ग्रीन होता है सर हार्मफुल। अरे भाई अभी हम पिगमेंट्स पूरा पढ़ नहीं रहे हैं बेटा। फ्यूकोजाइंथिन गिरा देता है भाई। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, वैसे रिसर्च करने हम नहीं बैठे हैं, समझ गए हो? अभी जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो, बाकी बाद में पिगमेंट्स के बारे में हम फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ पिगमेंट्स कितने होते हैं, उनका काम क्या होता है, समझ रहे हो? अभी जब पिगमेंट्स जब सारे अलग से पढ़ेंगे उस समय देख लेंगे। ये बेटा ये इसको नीचे लिखना चाहिए था मुझे, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स में जो डिफरेंट कलर्स अपीयर होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा हम गॉडी कोव्स इफेक्ट। गॉडी कोव्स इफेक्ट ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, इन्होंने बताया था इसीलिए उन्हीं के नाम पे रखते हैं। GODIKOVS। सर नॉट सीन। ले भाई अब दिख रहा है गॉडी कोव्स इफेक्ट दिख रहा है, अब क्लियर है? लिख लो फिर, मैं इधर को कैमरा करूंगा क्योंकि इधर नहीं दिखेगा ना फिर, ठीक है? गॉडी कोव्स इफेक्ट इफेक्ट है, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट है बेटा रिजर्व फूड। रिजर्व फूड बेटा, रिजर्व फूड जो क्लोरोफाइसी में होगा वो होता है क्लोरोफाइसियन स्टार्च। क्या होता है बेटा? बहुत आसान है याद करना, क्लोरोफाइसियन स्टार्च। और ये जो एक पायरीनॉइड भी होते हैं, क्लोरोफाइसियन स्टार्च प्लस पायरीनॉइड्स प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स और पायरीनॉइड। ये पायरीनॉइड होते क्या है? जो स्टार्च है बेटा, बीच में स्टार्च होगा, ठीक है? बीच में क्या होगा? स्टार्च। इसको मैं स्टार्च लिख देता हूं, ठीक है? ये स्टार्च है और इसके चारों तरफ बेटा ये प्रोटीन की कोर होती है, प्रोटीन होती है ये। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या? पायरीनॉइड्स। तो पायरीनॉइड्स बेटा पाए जाते हैं कहाँ पे? क्लोरोफाइसियन, क्लोरोफाइसी में, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, ठीक है? फियोफाइसी का जो स्टोरेज फूड होता है बेटा, रिजर्व फूड होता है, वो लैमरीन एंड मैनिटाल होता है। लैमरीन एंड मैनिटॉल, लैमरीन एंड मैनिटॉल, ठीक है? और रेड एल्गी में बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च जो ग्लाइकोजन के या एमाइलोपैक्टिन के सिमिलर होता है। मैनिटॉल में डबल एन होगा, मैनिटॉल। फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है बेटा, ये सिमिलर टू अमाइलो पैक्टिन। अभी बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा नहीं है इसलिए शायद ये समझ में न आए, लेकिन आप लिख लो बस, फ्लोरिडियन स्टार्च सिमिलर टू अमाइलो पैक्टीन। अगर कुछ लोग जानते होंगे तो ठीक है ना, अमाइलो पैक्टीन। अब सेल वॉल, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा फीचर में सेल वॉल।
सेल वॉल की बात करें बेटा, तो सेलुलोज तो सभी में पाया जाएगा, सेलुलोज तो सभी में पाया जाएगा, इसमें भी और इसमें भी सेलुलोज। देखो तीनों में सेलुलोज तो होगा ही होगा, इसके साथ में इसमें प्लस क्या होता है, पेक्टोज। पेक्टोज क्या होता है बेटा, पेक्टोज होता है पॉलीसैकेराइड, हेटरो पॉलीसैकेराइड्स। ये क्या होता है बेटा एक्चुअल में, ये भी हेटेरो पॉली सैकेराइड। अब हेटरो पॉलीसैकेराइड, होमो पॉलीसैकेराइड आपको समझ में आएगा नहीं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे तभी समझ में आएगा ना। हाँ अभी लिख लो केवल हेटरो पॉलीसैकेराइड्स। और इसमें क्या होता है बेटा, सेलुलोज के साथ क्या होता है, एल्जीन होता है। एल्जीन, एल्जीन भी क्या होता है, ये भी पॉलीसैकेराइड ही है। और सेलुलोज के साथ उसमें अगर अगर नाम कई बार सुना होगा, सल्फेटेड एस्टर्स ऑफ फाइकोकोलॉइड्स, सल्फेटेड स्टर्स ऑफ फाइको कोलोएड्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा अगार। आपको अगार याद रखना चाहिए, जब भी रेड एल्गी की बात आए तो अगर अगर याद रखना चाहिए, है ना, अगार याद रखना चाहिए आपको सब लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगार यहाँ पे और यहाँ पे एल्जीन, यहाँ पे एल्जीन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आया कि कोई डाउट है किसी को बता देना, मैं बीच में पूछा नहीं हूं, क्लियर है ना सबको। ठीक है, ठीक है बेटा, इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है। मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर देखते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर में मोटाइल स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लैजेला होगा ना। तो मान लो ये क्लोरोफाइसी का कोई एक मेंबर है, ये ऐसा, इसमें से एक फ्लैजेला इधर निकला, एक इधर, दो हो गया, तीन चार पांच छः सात आठ, ठीक। तो इसमें जो है बेटा फ्लैजेला सारे के सारे क्या हैं, इक्वल इन लेंथ हैं, और हैं कितने, दो हो सकता है, चार हो सकता है, छह हो सकता है, आठ हो सकता है, मतलब टू टू एट, कितने होते हैं, टू टू एट। और इनकी लोग पोजीशन क्या होगी बेटा, एपिकल, बॉडी के एपिकल इन पोजीशन होगा, बॉडी के एपिकल इन पोजीशन होगा, ठीक है। और फियोफाइसी में क्या होती है बेटा, ये सेल है मान लो मोटाइल स्ट्रक्चर में, और ये फ्लैजेला एक है, एक छोटा और एक बड़ा फ्लैजेला, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनइक्वल, और क्या होगा, टू होगा, और क्या होगा, लैटरल, लैटरल है मतलब साइड में आए बेटा फ्लैजेला, ठीक है, ठीक है ना। और रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी में बेटा नॉन मोटाइल स्टेज नहीं, मोटाइल स्टेज, मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है, तो क्या लिख देंगे यहां पे हम, नो मोटाइल स्टेज, इसमें कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती है। बट दे शोज कॉम्प्लेक्स, दे शो कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, दे शोज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स,
कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शो करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलता है लाइफ साइकिल का, ठीक है ना। एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं बेटा अब कौन कौन से स्पोर्स बनते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स, ए सेक्सुअल स्पोर्स बेटा इसमें बनते हैं जू स्पोर्स, ठीक है। ए प्लेनो भी बन सकते हैं, हिप्नोस्पोर, ए काइनेट भी बनते हैं इसमें, और इसमें मतलब मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हैं, और इसमें भी बेटा जू स्पोर्स, और इसमें ओनली नॉन मोटाइल, मतलब कि ए प्लेनो स्पोर्स, याद रखना यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए प्लेनो स्पोर्स। सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होगा बेटा, आइसोगैमी भी हो सकता है, एन आइसोगैमी भी हो सकता है और उगैमी भी हो सकता है। अभी आपने देखा था इसमें भी क्या होता है, हो सकता है बेटा आइसोगैमी, एन आइसोगैमी एंड उगैमी, और इसमें क्या होगा, ओनली उगैमी, देख लो ओनली उगैमी। तो इस तरह से बेटा जो कॉमन फीचर्स होते हैं एल्गी के, वो हमने फिनिश कर दिया आज। एल्गी आज हम लोग खत्म कर देंगे, कैसे भी करके एल्गी को आज खत्म करना है, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी में बेटा, चलो ब्राउन, हाँ बेटा ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में बेटा ब्राउन एल्गी में गिर गया नीचे, ब्राउन एल्गी में एग्जाम्पल हमने क्या क्या बताया था बताना जरा। इडली साफ, इडली साफ बताया था, इसे इक्टोकार्पस, डिक्टायोटा लैमिनेरिया, सार्गासम, सार्गासम, ठीक है। सार्गासम में बेटा, सार्गासम थियोफाइसी का मेंबर होता है, ब्राउन एल्गी है और ये टॉलेस्ट एल्गी है। ये क्या है, टॉलेस्ट एल्गी है। मैं बनाता हूं, आपको बना के दिखाता हूं मैं सार्गासम बेटा, ब्राउन एल्गी में बना रहा हूं, है ना। देख रहे हो, अच्छा इधर भी एक चाहे तो हम एक ब्रांच छोटा सा निकाल के दिखा सकते हैं इधर से, है ना ऐसे। तो ये जो है, ये नीचे एक इस तरह का स्ट्रक्चर है बेटा, रूट तो है नहीं, स्टेम भी नहीं है, लीफ भी नहीं है इसमें, लेकिन देखो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और ये रूट के जैसा दिख रहा है लेकिन रूट है नहीं। इसको हम बोलते हैं बेटा होल्ड फास्ट, इसको क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं। और ये क्या है, फ्रॉन्ड है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ड, एफ आर ओ एन डी, फ्रॉन्ड या लैमिना बोलते हैं, फ्रॉन्ड और लैमिना, ठीक है। इसमें छोटे छोटे ऐसे एयर कैविटी पाए जाते हैं बेटा, या एयर वैक्यूल, ये सब क्या है, दीज आर द एयर वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल्स हैं ये। सार्गासम मैंने बनाया है, क्या बनाया है, सार्गासम 100 मीटर तक का हो सकता है ये, ठीक है। इसके अंदर बेटा स्टेम नहीं है, ये स्टेम लाइक है,
इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है, टफ टिश्यू जैसा कुछ बना होता है ना, जिसको हम बोलते हैं बेटा स्टाइप, STIP, स्टाइप। स्टाइप क्या होता है बेटा, वी हैव लाइक फ्लोएम, फ्लोएम के जैसा बिहेव करता है, मतलब फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है बेटा, लेकिन फ्लोएम है नहीं, क्योंकि एल्गी में जानते हैं हम कि इसकी बॉडी में नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ्स, बॉडी अनडिफरेंशिएटेड थायलाइड प्लांट बॉडी, थायलाइड प्लांट बॉडी होती है, मतलब इसमें कोई रूट, कोई स्टेम, कोई लीफ्स नहीं है। ये सार्गासम का मैंने दो चीज याद रखना है बेटा आपको, स्टाइप याद रखना है और होल्ड फास्ट, और ये एयर वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसके फ्रंट में, 100 मीटर तक का सी वाटर में ऐसे 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 जो है मूव करता रहता है। ये मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंस लिख देते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, इंपॉर्टेंस बेटा, ये पानी में रहता है या कहीं भी रहे, दे आर गुड प्रोड्यूसर्स, दे आर गुड CO2 एब्जॉर्बर। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, तो इंक्रीज, दूसरा पॉइंट लिखो, इंक्रीज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। कुछ ऐसे एल्गी हैं जो प्रोटीन के फॉर्म में हम उनका यूज करते हैं, जैसे क्लोरेला, जैसे क्लोरेला, एल्जीन, एल्जीन ये न्यूट्रिएंट्स का काम करता है बेटा, एंड ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है, अगार अगार, अगार ये भी न्यूट्रिएंट्स का काम करता है बेटा, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, है ना, मतलब रेड एल्गी, रेड एल्गी से निकालते हैं इसको, ठीक है। कुछ एनिमल्स के लिए ये किसका काम करता है बेटा, फॉडर का काम करता है, पशुओं का चारा। कुछ मेडिसिनल यूज भी होता है इनका, मेडिसिनल यूज, है ना, एंड दे आर गुड प्रोड्यूसर, तो फूड का काम तो करेंगे ही करेंगे, गुड, दे आर गुड प्रोड्यूसर्स, तो मतलब क्या हो गया, एल्गी आज बेटा बिल्कुल खत्म हो गई, अब एल्गी फिनिश, अब हम नेक्स्ट क्लास से ब्राउन एल्गी, सॉरी ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, है ना, कल से हम लोग ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, कल ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे बेटा, जल्दी जल्दी मतलब, ठीक है, तो बेटा फिर कल हम लोग मिलते हैं क्लास में, ठीक है, कल फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं। सर साइड हो जाओ, ओके, लिख ले बेटा, लिख ले, मैं साइड हो गया, लिख लो सारा। विजिबिलिटी तो आज अच्छी होगी बोर्ड की, आप लोग भी बताओ विजिबिलिटी ठीक है ना आज, तो क्लियरिटी ज्यादा क्लियर है आज बोर्ड, हाँ। वी हैव लाइक फ्लोएम लिखा है बेटा, ये फ्लोएम लिखा है, PHLOEM, फ्लोएम, वी हैव लाइक फ्लोएम, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटे। किसी को और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, रिपीट कर दो, न्यूट्रिएंट मीडियम इन टिश्यू कल्चर, वो आगे पढ़ोगे आप, इसीलिए मैंने ज्यादा डिटेल नहीं लिखा। एल्जीन ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, अगर अगर ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, सम एल्गी यूज एज अ फॉडर, पशुओं का चारा, मेडिसिनल यूज भी है बेटा, और दे आर गुड प्रोड्यूसर्स, मतलब बायोमास बढ़ाते हैं, ये बायोमास बढ़ाते हैं उसका, बायोस्फीयर का, ठीक है। तो इस तरह से
आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है बेटा, कल फिर मिलते हैं, ठीक है।